हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो ये पीएसएल का यानी पाकिस्तान प्रीमियर लीग का मतलब जो भी पहला मैच है वो होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग होता है वो, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे दोनों ही टीमों का क्या स्क्वाड है, कौन से प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं, क्या अपनी जो है आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं, तो वो भी फ्री में। आपको करना कुछ नहीं, सीधे सीधे बस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो से मतलब आप नोटिफाइड रहते रहोगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल मतलब अभी जो है आपको पता है जैसे बीपीएल होता है, पीएसएल होता है यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, ये सब मैचेस में जो स्क्वाड बहुत बड़े बड़े अनाउंस होते हैं, 22, 23, 24 प्ले मतलब नेम के स्क्वाड अनाउंस होते हैं और उसमें से प्लेयर खेलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है जैसे बिग बैश की तरह कि पहले से हर मैच से पहले 3-4 मतलब 13-14 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा और वहाँ पे उन्हीं में से प्लेयर्स खेलेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्क्वाड होते हैं, तो पॉसिबल प्लेइंग 11 जांचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल नहीं, फिर भी मतलब जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो हम बता ही देंगे, बट फिर भी फाइनल अपडेट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल अपडेट अगर आपका कोई प्लेयर मिस आउट होता है तो आपको यहीं से पता चलेगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हो। अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करो, वहाँ पर जब ओपन करोगे तो यहाँ कोने में जो सर्च का बटन आता है, वह मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोने में दिखेगा टॉप पे, तो वहाँ पे जाके आपको सर्च के बटन पे सर्च करना है FANTASYBUZZ11 फैंटेसी बज 11, ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखेगा जहाँ पे 61,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, अभी 62 भी हो सकते हैं, तो इतने सब्सक्राइबर्स आपको दिखेंगे जुड़े हुए जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी फ्री में, तो आपको भी यहाँ पर जुड़ जाना है। अब हम चलते हैं प्रीव्यू की तरफ, तो पिच रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची का ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड आप एक समझ सकते हैं बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे लास्ट 9 T20 मैचेस का 181 का है, सेकंड इनिंग का 177 का है, तो आप लोग एक अच्छा बैटिंग विकेट यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिल सकता है, वो भी बीच के ओवर्स में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे विकेट्स स्पिनर्स निकालेंगे, कुछ लोग फिर मुझ पर पॉइंट आउट करने लगते हैं, बट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिनर्स तो थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हैं और ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी नहीं, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट वन करने वाली जो है 5 बार जीती है और बैट सेकंड करने वाली टीम जो है 4 बार जीती है। हेड टू हेड स्टेट्स की बात करें दोनों ही टीमों की, तो ये पहला स्टेट्स है। आप लोग देखेंगे जो लास्ट ईयर इनके बीच में 2 मुकाबले खेले गए थे, दोनों ही मुकाबले का मैं हेड टू हेड लेके आया हूँ स्टेट्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेटा ने ये मुकाबला जीत लिया था और यहाँ पे क्वेटा ने क्वेटा की तरफ से अहमद सज्जाद जो कि अभी हैं, उमर अकमल, इन्होंने अच्छे रन बनाए थे और फहीम अशरफ ने 4 विकेट लिए था, माद भट्ट ने 3 विकेट लिए थे, तो ये लोग सारे ही स्क्वाड में हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से लियो क्रॉन्चिच 64 रन जो कि अभी है, कैमरन डेलपोर्ट अभी शायद नहीं है, सोहेल तनवीर भी नहीं है, फवाद अहमद जिन्होंने 3 विकेट लिया था ये हैं अभी, ठीक है। और सेकेंड हेड टू हेड में आप देखेंगे तो कुछ नाम आपको कॉमन मतलब दिखेंगे, बाकी कुछ नाम आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेन पारनेल जो कि अभी शायद नहीं है और इन्होंने 41 रन का स्कोर किया था, आसिफ अली हैं अभी और इन्होंने जो है 36 रन का स्कोर किया था, सोहेल तनवीर नहीं है, फवाद अहमद ने फिर से 3 विकेट लिया था और यहाँ पे क्वेटा ने फिर से ये मुकाबला जीता था, सेन वॉटसन की 81 रन, उमर अकमल का नाम कॉमन आया है बस एक और समित पटेल है नहीं, कैमरन डेलपोर्ट का नाम कॉमन तो आया बट शायद कैमरन डेलपोर्ट अभी है नहीं, ठीक है। तो ये इनके सेकेंड मतलब मैचेस के हेड टू हेड। अब यहाँ से हम चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ से इनका जो प्रोबेबल 11 है वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और प्लेयर एनालिसिस यहीं पे करके बताऊंगा। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, अगर वो खेलते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी कुछ मतलब ये अभी स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग के उसमें प्लेइंग 11 प्रोबेबल बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें बहुत बड़े बड़े स्क्वाड होते हैं, तो वो सारी चीज़ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे आफ्टर टॉस, जैसे भी पता चलता है एक एक बैट्समैन के बारे में मैं बता दूंगा अगर कोई छूट जाएगा तो, वैसे मैं यही कोशिश करूंगा कि ना छूटे, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फैंटेसी बजिल FANTASYBUZZ11 ये सर्च करना है टेलीग्राम पर, 61,000 62,000 के समथिंग सब्सक्राइबर दिखेंगे, वहाँ पर आपको जुड़ जाना है।
तो लीग रोंची ओपन करेंगे न्यूजीलैंड के बहुत ही धुआंधार बैट्समैन T20 के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि T10 में जब ये खेले थे तो उतनी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे थे, बट एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, कभी भी चल सकते हैं ठीक है, और कभी भी हिट एंड मिस टाइप के आप कह सकते हो, लेकिन अगर ये चल गए तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट है ठीक है। तो ये ओपन करेंगे और कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड की तरफ से अभी फॉर्म में भी आप सभी ने देखा इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ओपन करेंगे लीग रोंकी के साथ। डेविड मलान इनका मैं थोड़ा सा श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लेयर, आप सभी को पता है। हालांकि अभी उनको उतना ज़्यादा चांस मिला नहीं, एक मैच में चांस मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उसमें कुछ खास किया नहीं, मिडल ऑर्डर में आए थे, लेकिन अभी अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि T10 के जो मैचेज हुए थे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। कॉलिन इंग्राम कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं, और अगर बॉलिंग कराएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक हो सकते हैं। वैसे भी इनका जो बैटिंग मतलब बल्लेबाजी का क्रम है काफ़ी अच्छा है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभार जल्दी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रन स्कोर करके देंगे। हुसैन तलत बॉलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, अदरवाइज ये बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं, और हो सके तो बॉलिंग अगर कराएंगे तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं, लेकिन बस बॉलिंग का ही मैं श्योर नहीं हूँ, इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने कुछ मैच में बॉलिंग कराई थी और कुछ मैच में नहीं कराई थी, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा भरोसा दिखाता नहीं। आसिफ अली कभी भी प्रमोट किया जा सकता है हिटिंग के लिए, ये आपको एक हिटिंग करते बॉलिंग नहीं कराते हैं, ये सिर्फ बैट्समैन है, और ये आपको हिटिंग करते हुए दिख सकते हैं और आपको अच्छे खासे रन बना के दे सकते हैं अगर इनका बैटिंग ऑर्डर कॉलेज होता है तो। अमाद बट काफ़ी अच्छे प्लेयर, लास्ट टाइम इन्होंने अच्छे विकेट निकाले थे, डेथ में भी गेंदबाजी कराते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को एक मतलब हिटर के रूप में भी देख सकते हैं, अच्छे रन भी बनाए थे लास्ट ईयर इन्होंने अगर देखा जाए तो। फहीम अशरफ लीडिंग विकेट टेकर में से नाम था इनका लास्ट ईयर, तो अच्छे मतलब विकेट टेकिंग बॉलर, और ये भी डेथ में कराने की क्षमता रखते हैं। शादाब खान कैप्टन है, और अगर ये कैप्टन है तो अपने आप को कभी भी प्रमोट कर लेते हैं, आपने लास्ट ईयर अगर इन इस टीम को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, यहाँ से ये कभी भी अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं बैटिंग में भी, और अच्छे खासे चार ओवर कराते हैं, लेकिन मैं इन पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। विकेट इनको शायद मैं अगर देखूँ, इनका आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो इनको एशिया के अंडर इतने विकेट्स नहीं मिलते हैं जितने कि आउट ऑफ द एशिया इनको विकेट्स मिलते हैं, तो वही चीज़ बस मेरे को एक अफेक्ट करती है इनका, इस अदरवाइज प्लेयर बहुत अच्छे हैं, अभी तो अपने आप को ये प्रमोट भी कर सकते हैं, तो एक मस्ट पिक आप मान सकते हैं। रोमन रईस एक अच्छे बॉलर, साथ ही साथ आपको एक डेथ में भी गेंदबाजी कराते हुए दिखेंगे, अगर ISL की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप इनको और फहीम अशरफ को और अमाद बट को तीनों को जरूर लीजिएगा। मोहम्मद मूसा और जहर गोफर में से दोनों को ये खेलेगा, दोनों एवरेज ओपन बॉलर में शादाब खान और फहीम अशरफ, और डेथ में अमाद बट रोमन रईस फहीम अशरफ, तीनों में से कोई दो हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि अमाद बट और फहीम अशरफ ही कराएं, लेकिन रोमन रईस भी कराते हैं। बात करते हैं क्वेटा की प्लेइंग 11 की, यहाँ से शेन वॉटसन ओपन करेंगे, हालांकि फॉर्म थोड़ी गड़बड़, अभी BPL में आपने देखा होगा कुछ खास किया नहीं, बॉलिंग भी नहीं करा रहे उतना, लेकिन कभी भी अच्छा पारी खेल सकते हैं, इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये पांच मैच खेले और पांचों में फ्लॉप जाएं, पांच में से दो में ज़रूर चलते हैं, और अगर पांचों में पांचों चल गए तो फिर आप इनके टैलेंट पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन। जेसन रॉय अभी एक 40 रन प्लस एक 71 रन की पारी खेल के आ रहे हैं, आपने देखा होगा अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी धुआंधार बैटिंग करी इन्होंने, और अभी ओपन करेंगे इस टीम के लिए। अहमद सज्जाद ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रखी है और ओपनर की भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी शेन वॉटसन और जेसन रॉय हैं तो मेरे हिसाब से मिडल ऑर्डर में आएंगे, टॉप ऑर्डर में, तो ये भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, अगर आपको क्रेडिट मैनेज करना है तो ये बेटर पिक हो सकते हैं। उमर अकमल है, उसके बाद उमर अकमल का आप नाम ने देखा था, नाम कॉमन है इनका, जो दोनों हेड टू हेड हमने देखे उसमें दोनों में ही रन बनाए इन्होंने, तो आप इनको एज ए ग्रैंड लीग में कैप्टन एज ए कैप्टन जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छे बैट्समैन है, हिटर है कामरान अकमल के भाई, अच्छे खासे हिटर है, आपने देखा होगा इनको। सरफराज अहमद एक विकेट कीपिंग कैप्टन भी है और विकेट कीपिंग करेंगे, तो इनसे आप बस विकेट कीपिंग के पॉइंट्स के ही उम्मीद रखना, मतलब बल्लेबाजी से कुछ खास कर नहीं पाते, स्ट्राइक रेट इनका मैनेज ही नहीं हो पाता है। उसके बाद बैन कटिंग अच्छी खासी हिटिंग के साथ साथ हो सके तो डेथ में भी गेंदबाजी कराएंगे, प्लस आपको ये अच्छे खासे रन बनाकर भी दे सकते हैं क्योंकि इनके पास हिटिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है। उसके बाद फ्रेंड्स मोहम्मद नवाज, ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर आप मान सकते हैं, आपको विकेट टेकिंग बॉलर है, इन्होंने अभी MSL में भी अच्छा खासा विकेट निकाला था, हिटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद हसनैन, ज़्यादा चांसेस है डेथ में कराते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन अभी जो ये अभी पाकिस्तान का मैचेस हुए थे उसमें ये श्रीलंका के खिलाफ उसमें बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन ये आपको डेथ में गेंदबाजी कराते हुए के साथ साथ एक विकेट टेकिंग बॉलर भी है, जिसके लिए इन पर भरोसा थोड़ा दिख जाता है। नसीम शाह एक आपके लिए सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन ये जो है मतलब यहाँ पे थोड़े अच्छे प्लेयर भी खेल रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाले, तो यहाँ पे इनका मतलब थोड़ा हो सकता है लेवल का
टेस्ट हो जाए, बट ये आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। यंग टैलेंट फवाद अहमद, आपने देखा होगा बिग बैश में जनरली विकेट निकालते हैं, तो आपके लिए ये अच्छे पिक हो सकते हैं, अच्छे स्पिनर है। सोहेल खान एक एक्सपीरियंस आप सभी को पता है, और ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद ओपन बॉलर में सोहेल खान, मोहम्मद हसनैन मेरे हिसाब से हो सकते हैं। डेथ में मोहम्मद हसनैन का मैं फिक्स कह सकता हूँ, लेकिन सेकेंड का कोई फिक्स नहीं कह सकता। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से जेसन रॉय, कॉलिन मुनरो, शेन वॉटसन, ल्यूक रोंची और डेविड मलान, ये अच्छे बैट्समैन है और बैटिंग विकेट पर मेरे हिसाब से अच्छा खासा ये लोग रन बना सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट लीग में अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ से बेन कटिंग, अहमद शहजाद, हुसैन तलत, कॉलिन इंग्राम, ये लोग अच्छे पिक है। सदाब खान को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बात करें अपने कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में मैंने क्या क्या, क्या ट्राई किया अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने विकेट को देखते हुए टीम बनाया है। अगर फिर भी कोई अच्छा मतलब कोई चेंज होता है तो वो मैं आपको आफ्टर टॉस अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। फैंटेसी बज 11 से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा फैंटेसी बज 11, फिर टेलीग्राम ऐप ओपन करके आपको वहाँ पर 62 के और 61 के समथिंग वाला सब्सक्राइबर दिखेगा, एक ही चैनल है और आपको जुड़ जाना है फ्री में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ल्यूक रोंकी को लिया हुआ और कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने सारे प्लेयर्स का एनालिसिस भी कर दिया। यहाँ पे बस मैं सदाब खान को लेना चाहता हूँ। अगर आप सदाब खान को लेना चाहते हो तो यहाँ से किसी एक बैट्समैन को डेविड मलान या कॉलिन मुनरो, जो थोड़े हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर ना, तो आप इनको इनकी जगह पर ट्राई कर सकते हैं जो है सदाब खान को। तो अगर आप लोग चाहो सदाब खान को लेना तो इनकी जगह पर ले सकते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कॉलिन इंग्राम, कॉलिन मुनरो, डेविड मलान, शेन वॉटसन, जेसन रॉय, मैंने विकेट को देखते हुए बैट्समैन, विकेट को देखते हुए मैंने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कलेक्ट करने की कोशिश की है। आप चाहो तो कॉलिन इंग्राम या फिर किसी भी एक बैट्समैन को कम करके शेन वॉटसन और जेसन रॉय तो मेरे हिसाब से मस्ट पिक है। कॉलिन मुनरो भी, डेविड मलान या कॉलिन इंग्राम की जगह पर ऑलराउंडर सेक्शन में आप इनको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मोहम्मद नवाज एंड बेन कटिंग को लिया, अमाद बट, रोमन रईस और मोहम्मद हसनैन को लिया। आप रोमन रईस की जगह पर अगर आपका क्रेडिट मैनेज हो जाता है तो आप यहाँ से सोहेल खान को भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे पिक हो सकते हैं। और यहाँ से कैप्टन मैंने बनाया हुआ है जेसन रॉय को, वाइस कैप्टन आप हैं तो शेन वॉटसन है आपके पास, कॉलिन मुनरो है यहाँ से, और आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ से ल्यूक रोंची, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अदरवाइज इसमें कुछ भी चेंज होगा आफ्टर टॉस मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा, और एक दो चेंजेस पॉसिबल है, हो सकता है मेरी टीम में सदाब खान आ जाए तो उसके लिए भी मैं जगह बनाऊंगा, और किस बैट्समैन को निकालूंगा वो मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि वो टॉस पर डिपेंडेबल है कुछ चीज़ें, तो वो फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।